हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला, क्योंकि एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल जो बार बार पूछा जाता है रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम टॉपिक इन एवरी मोस्ट ऑफ द एग्जाम, वो मैं लेके आ गया हूँ। कि भाई ऐसा आपको बहुत ही बड़ा सा कोई एक नंबर दे दिया होगा और आपको बोला होगा कि भाई चेक करो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अभी आप ये कैसे करोगे, हाउ यू विल डू? भैया 2 हो 3 हो 7 हो ये तो चलो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये प्राइम है या नहीं, लेकिन इतना बड़ा नंबर अगर दे दिया जाए तो फिर भाई कैसे फाइंड करें कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्लू दिया था कि इस टेस्ट को हमें यूज़ करना है यहाँ पे फॉर द प्राइम नंबर है या नहीं। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब इसमें पी हमें दिया हुआ है, गिवन है, ये हमारा पी है जो हमें नंबर दिया है कि चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, वो हमारा पी है। आगे क्या है, आगे हमारा एन, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा आधा काम है। एन इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर सच दैट दिस कंडीशन इज मेट, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब इसे भैया एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग वेरीफाई करेंगे, एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि गिवन नंबर पी जो है वो हमारा प्राइम है या नहीं। सो दिस इज अवर पी। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सी बात, चलो मैं एक 13 लेता हूं, 13। अब 13 जो मैंने लिया है, मुझे पहले एन फाइंड करना है, वो मेरा आधा काम है। एन फाइंड करने के बाद बचा हुआ आधा काम मैं कंप्लीट करूंगा। तो लेट्स कंसीडर द एन वैल्यू एज 13। अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो वो 169 आ रहा है। अब यहां पे 169 है, यहां पे 173 है, ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। ये मेरा लेस देन है देन दिस, तो मैं क्या करूंगा एक नंबर इससे बड़ा लेता हूं ताकि वो वाली जो एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू पी वाली कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने एन की वैल्यू ले ली 14। नाउ इफ यू चेक एन स्क्वायर, ऑब्वियसली आपका जो 14 का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 173 है। तो यहाँ पे मैंने ये एन की वैल्यू फाइनलाइज कर दी, आधा काम मेरा हो चुका है। अब बचा हुआ आधा काम क्या है, सिंपली आपको लिस्ट डाउन करना है ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन, जैसे कि 2 है, 3 है, देन यू आर हैविंग 5, देन यू आर हैविंग 7, देन यू आर हैविंग 11, देन 13। ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू योर एन, यानी कि इस केस में 14, बराबर। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो आपका पी है 173, इज इट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 14। अगर वो डिविजिबल है तो ये जो मेरा नंबर है पी, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर डिविजिबल नहीं है किसी भी एक रिस्पेक्टिव आपके प्राइम नंबर से, एनी ऑफ द प्राइम नंबर, तो आप कहोगे इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर हाँ है, जवाब अगर हाँ है तो आप कहोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, जवाब अगर ना है तो आप कहोगे ये प्राइम नंबर है, ओके। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ पे अभी ऐसा एक भी रिस्पेक्टिव नंबर नहीं है जो कि आपके 173 को डिवाइड कर सके, बराबर। तो यहाँ पे 173 इज नॉट और कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ दीज रिस्पेक्टिव अवेलेबल नंबर्स इन आवर रेंज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा 173 है, इट इज अ प्राइम नंबर, नो वन इज देयर विच कैन डिवाइड 173, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये तो कंक्लूजन अपना निकल गया कि 173 भाई साहब हमारा प्राइम नंबर है, क्यों? बिकॉज 173 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर्स अवेलेबल। अब आते हैं इसके ऊपर 437 के ऊपर। अब 437 के लिए मैं, चलो एक पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर 20 का स्क्वायर लूंगा तो क्या होता है, 400 होता है। अब एक साइड में 400 है, एक साइड में 437 है, तो ये वाली कंडीशन तो कहीं तक नहीं सेटिस्फाई हो रही। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ 20 आई विल टेक 21। तो मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे फाइनलाइज कर दी 21। अगर आप 21 का स्क्वायर लोगे सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 437। बात यहाँ तक समझ में आ गई, तो आधा काम हो गया। अब दूसरा बचा हुआ आधा काम क्या है, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं लेस देन इक्वल टू योर एन, उन्हें लिस्ट डाउन कर दो, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 यहाँ पे 17 है और 19 है, लाइक दिस, ओके। बात समझ में आ गई। नाउ सिंपली यू हैव टू चेक कि ये जो आपका पी है, ये जो आपका नंबर है, इज इट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू एन। यस, इट इज डिविजिबल बाय 19। यस, अगर आप चेक करोगे ढंग से, गौर से, तो यहाँ पे 19 कैन डिवाइड दिस 437। सो 437 इज सिंपली डिविजिबल बाय 19। तो भाई एक तो मिल गया, अगर एक मिल गया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। यस, तो मैंने क्या बोला, उस सवाल का जो जवाब अगर हाँ आता है तो आप क्या कहोगे, ये नंबर आपका रिस्पेक्टिवली प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा सवाल, कि ये जो आपका नंबर है पी, इज इट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर।
तो यहाँ पे तो जवाब मुझे हाँ मिल रहा है, और अगर जवाब हाँ है तो आपका ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल एज दैट। तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर है। इस तरीके से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नहीं है बाय फॉलोइंग दिस मेथड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।